ठीक है। जय गौ माता, हर हर महादेव। मेरा नाम कुली शेट्टी शिव कुमार है। मैं दक्षिण भारत देश में तेलंगाना में हैदराबाद में रहने वाला हूँ, और दक्षिण से लेकर काशी तक हम लोग एक मुद्दे पे बनारस आया। एक बात जनता का बीच में रखने के वास्ते हम बनारस आया, वो बात है गौ माता के बारे में। क्या कहना चाहेंगे आप वाराणसी लोकसभा में, यहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बीच में आप इतना हिम्मत करके इतना दूर से आए चुनाव लड़ने के लिए, और लगातार 3 महीने से आपका चुनाव प्रचार चल रहा है और तक आप मुद्दा उठाए जो कि कोई भी पार्टी नहीं उठा रही है, बनारस की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? बनारस की जनता सबका बात, इस बार गौ माता को वोट देना चाहिए। पूरे देश में गाय का तस्करी हो रहा है, और दक्षिण से लेकर पूरा हर कोने में, हर गांव में भी, किधर तो भी डेली गाय कट रही है। सो गौ माता को बचाने का काम अभी सभी वोटर्स के हाथ में है। गाय की जान बनारस का वोटर्स के हाथ में है। अभी गौ हत्या का पाप से दूर होने के वास्ते धर्म का काम हम लोग कर रहे हैं, तो धर्म का बात भी सबका सामने लगाने का हमारा जिम्मेदारी है। और अभी ये कठिन कानून होना चाहिए। अभी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये बनाने के वास्ते कई को पीछे हट रहा वो मालूम होना चाहिए। इतना काम देश के प्रधानमंत्री कर रहे बोल के सब सोशल मीडिया में देख रहे, गाय के बारे में तो जीरो, कुछ भी नहीं करे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। बाबा का दरबार में, बाबा का जो स्थान है काशी विश्वनाथ का मंदिर में, मोदी जी को एक बार आके गाय के बारे में आप क्या करें, 10 साल में कितना करोड़ गौ वंश कत्लखाना में खत्म हो गया, इसके जिम्मेदारी कौन है? गाय तो चले गए, मगर ये इसका पीछे आप इतना बड़ा पोजीशन में, बाबा विश्वनाथ जी ने आपको प्रधानमंत्री बन के संसद में उधर उतना दिल्ली में बैठा, इतना अच्छा पोजीशन बाबा ने आपको दिया, कई को गौ हत्या कर रहे आप लोग, धर्म के नाम से वोट मांग रहे, मगर धर्म का देवता, धर्म का जो चार पाद पे चलता है, थोड़ा मेरे को हिंदी दिक्कत है फिर भी आपको प्रयास करता हूँ सबको समझने के वास्ते, धर्म बोलो तो चार पाद में चलता है, वो चार क्या है, गौ माता का पाद हुआ है, पादू का बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप, धर्म चार पाँव, धर्म चार पाँव में चलता है, वो चार पाँव गौ माता के पास है, तो अभी पूरा खट हो गया और गौ माता टुकड़े टुकड़े हो जा रहे, ये सही बात है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, और जो ये सब चल रहे हैं चीजें, इन सब बंद होने चाहिए। प्रधानमंत्री जी से आप इसके लिए कभी कभी चर्चा की या कोई लेकर वगैरह आपने कभी? देश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अच्छा आर्डर दिया, सो है गौ माता राष्ट्र माता घोषित करना है। एक और एक, मैं तिरुमला तिरुपति देवस्थान में ट्रस्ट बोर्ड मेंबर काम करा। तिरुपति देवस्थान देश में पूरे वर्ल्ड में नंबर वन देवस्थान बोलो तो तिरुमला तिरुपति देवस्थान बोलते हैं। वो तिरुमला तिरुपति देवस्थान में एक बोर्ड रिजोल्यूशन पास करे हम लोग, रिजोल्यूशन का नंबर 426 ऑफ 2021, गौ माता राष्ट्र माता घोषित करना है। और वो पत्र भी पूरे देश में रहने वाले साधु संत लोग का सिग्नेचर्स लेके नरेंद्र मोदी जी के पास 2021 में हम लोग अब तक उसके बारे में जीरो जवाब है। मोदी जी मन की बात क्या है सबको मालूम होना बोल के हम लोग बनारस आया। अभी बनारस आने के बाद इधर अलग तरीके से राजनीति कर रहे हैं लोग। हम लोग गाय के मुद्दे पे आया, कुछ राजनीति करने का जरूरत ही नहीं हमारे को। सेठी जी, यहाँ पे बनारस में जैसे इस समय पूरे देश की धुरी बनी हुई है, यहाँ एक मान के चलिए तो चुनावी सरगर्मियां भी बहुत तेज है, वाराणसी धुरी बनी हुई है, सबसे बड़ा राजनीति कम होता है वाराणसी यानी कि काशी है, तो यहाँ से जो है आप यहाँ कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि हम यहाँ चुनाव लड़ेंगे, हमारे साथ कुछ गलत हो या ऐसा कुछ? नहीं, हम लोग भगवान से ही डरते है, और गौ माता का आशीर्वाद से हम लोग इधर आया दक्षिण से। और चुनाव में लड़ने बोलो तो मेरे को पहले से मालूम है, सब लोग मेरे को बता रहे थे आप इतना दूर से आके प्रचार कर रहे, 2-3 महीने के पहले कर रहे, आपका नामांकन खारिज हो जाएंगे, आपका प्रयास मत करिए, ये मोदी जी का संसद क्षेत्र में कोई भी चुनाव में लड़ने का मौका नहीं देंगे। तो मैं बोला बाबा विश्वनाथ का ऊपर विश्वास तो रहे हमारे पास, भगवान को तो चाहते हैं हम लोग, और हम गौ माता को इतना
प्रेम से हम हमारा तन मन धन पूरा गोमाता को लगा रहे। दक्षिण में हमारा युक्त तुलसी फाउंडेशन क्या काम कर रहे सबको एक बार गूगल में सर्च करे तो मालूम होता, और खुद आके देख सकते नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी हम लोग क्या काम कर रहे हैं हैदराबाद में। तो इसका इतना विश्वास रहने का बाद भगवान का चमत्कार तो किधर तो भी बताना पड़ेगा। मेरा नामांकन खारिज होके फिर दोबारा बैलेट पे आ गया, सबको मालूम है चला है। फिर मैं दोबारा 11 बजे रात में, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है सबको मालूम है, मगर मेरा नॉमिनेशन खारिज होने के बाद मेरे को मालूम हुआ इन लोग मेरे को चुनाव लड़ने से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। उन लोग उसमें टाइम बींग उसमें उन लोग कुछ सफलीकृत होंगे, मगर दोबारा 6 महीने में बनारस में बाई इलेक्शन में जरूर लाएंगे बोल के मैं आरओ साहब को बताया, और मेरा कारिज का जो पत्र लेके मैं हाईकोर्ट में चैलेंज करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करता हूँ। मैं कुछ गलत नहीं किया और गलत का काम आगे भी नहीं करेंगे, और हमारा